गीता भगवान की जय। कृपा करो इस दास पर सतगुरु परम सुजान, हर पल तुम चरणों में लगा रहे ध्यान। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में हमारा ध्यान नित्य दिन लगा रहे, हमेशा आपके चरणों में ध्यान लगे रहे। हे गीता भगवान, आप में हमेशा मैं लीन रहूं। निर्बल के प्राण पुकार रे, निखिलेश्वर जी निखिलेश्वर जी, निर्बल के प्राण पुकार रे, निखिलेश्वर जी निखिलेश्वर जी, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निखिलेश्वर जी निखिलेश्वर जी, श्वासों के सर्जन कार रहे, निखिलेश्वर जी निखिलेश्वर जी, निखिले जी निखिले सर जी, श्वासों के सर्जन रहे, उखले सर जी निखिले सर जी, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोले गुंजार रे, निखिले सर जी निखिले सर जी, ये मधुर बोले गुंजार रहे, निखिले सर जी निखिले सर जी, ये बल के प्राण पुकार रहे, निखिले सर जी निखिले सर जी, स्वासों हर रहे, निखले सर जी निखले सर जी, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी आती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी आती है, इस पात पे जन ऊंचा हर है, इस आस पे जन ऊंचा हर है, निखले सर जी निखले सर जी, निखले सर जी निखले सर जी, मेरे बल के प्राण पुकार रहे, निखले सर जी निखले सर जी, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, डर है विश्वास न जाए कर, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, डर है विश्वास न जाए कहीं, बस इतना सदा विचार रहे, निखिले सर जी निखिले सर जी, निखिले सर जी निखिले सर जी, मेरे बल के प्राण पुकार रहे, निखिले सर जी निखिले सर जी, सासों के सर झनकार रहे, निखिलेश्वर जी निखिलेश्वर जी। तो देखिए भजन के बोल थे कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, कमजोर व्यक्ति हमेशा भगवान की याद करता है, उसकी श्वास से हर श्वास श्वास से निकलता है, हे परमात्मा हे परमात्मा, चाहे वो धरती छोटा हो बड़ा हो, नीचे रहता हो ऊपर रहता हो, आकाश में हो हिमालय पे रहता हो, कहीं भी रहता हो, हमेशा प्रभु की दृष्टि, वो कहता है सब कुछ चला जाए मगर भगवान दृष्टि आप मत हटाना, जहाँ पे आपकी दृष्टि रहती है वहाँ सूखी खेती भी हरी हो जाती है, मुझे अपने सुख दुख की इतनी चिंता नहीं है, बस मुझे एक ही विश्वास है, एक ही आशा है मेरा, इस पे हदा आप विचार बना कर रखना कि आप सदा मेरे साथ रहो, हे परमेश्वर हे निखिलेश्वर हे आनंददायी परमात्मा, आप हमारे हृदय में हमेशा विराजमान हो। तो इसके बोल बहुत ही अच्छे थे, जो कि निर्बल के प्राण तो कह बहुत अच्छे बोलते, तो आगे देख इसी तरह हम लोगों को भी
परमात्मा की प्राप्ति में सभी प्रकार के से लीन रहना चाहिए। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव की सहित गीता का अध्ययन कराएं और स्वयं भी गीता को पढ़ें, पाठ करें स्वयं पढ़ें और दूसरों के मुख से पढ़ें, गीता का सत्संग करें, मन भाव से भगवान के अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का क्षण भी दुखमूलक क्षण भंगुर भोगों से भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। हमें अपने समय को सतयोग में लगाना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक संख्या योग और दूसरा कर्म योग। भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, एक संख्या योग और दूसरा कर्म योग। तो संख्या योग संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की दृष्टि के सदस्य मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभ्यास से रहित होना सर्वव्यापी सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंदन घन वासुदेव के शिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रहना, ये संख्या योग का साधन है। अब कर्म योग दूसरा, सब कुछ भावना का समझकर सिद्धि असिद्धि में सत भाव करते हुए अशक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवद ज्ञान अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना ही संख्या योग कर्मयोग कहलाता है। यह शरीर से सब प्रकार का भगवान के शरण होकर नाम गुणगान और प्रभाव रही सहित उसके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना यही कर्मयोग है। कहते हैं ये दोनों जो साधन हैं परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु सकारात्मक का साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों के भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न हो गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों पर एक काल से नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगाधर जी जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, वे भी मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता है। उक्त साधनों में कर्मयोग साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्म का स्वरूप भी त्याग कहा गया है और संख्या योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि संख्या योग भगवान के संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना भी सही है, क्योंकि दूसरे जगह ऐसा नहीं है। संख्या निष्ठा उपदेश भी दिया किया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में संख्या योग अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेष बात अवश्य है कि संख्या मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहं भाव रहता है तब तक संख्या योग साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता है। इसी से भगवान ने संख्या योग को कठिन बताया है और उसके कर्म योग से भी सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग आचरण कर। जिसकी प्रकृति आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी माभि में कमल है, जो देवताओं के ही ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदस्य सर्वत्र प्राप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने के प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं,
ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को शिर से प्रणाम करता हूँ। अर्थ है कि ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मृदगण देव स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम देव में गाने वाले अंग पद कम और उपनिषदों की सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान से स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनमें अंत में नहीं जानते, वो परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार, मेरा बार बार नमस्कार है। भगवान कहते हैं कि दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कर्मयोग को भी कर ले, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देव विभान को त्याग कर केवल सच्चिदानंदन घर परमात्मा में एक ही वशे स्थित हुए श्री शुक्ल देव जी और शनकादि को देव की भांति संसार में उपराम होकर विचारने का नाम निवृत्ति मार्ग है। जैसे खेल में अशक्ति वाले बालक को जिसका अभ्यास मरता कारण प्रथम विषय के तुल्य भासता है, वैसे ही विषय में अशक्ति वाले पुरुष को भगवत जन ध्यान सेवा आदि साधनों का अभ्यास कर्मना ज्ञान से कारण प्रथम विषय के तुल्य प्रतीत होता है। बल वीर बुद्धि धन उत्साह और परम लोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विषय के तुल्य कहा जाता है। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। जिंदगी की न टूटे लरी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लरी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लरी, ई भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी। भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी। उनके हाथों का होना भी क्या, उनके हाथों का होना भी क्या। उनके हाथों का होना भी क्या, उनकी आँखों का होना भी क्या। जिसने दर्शन किया ना कभी, उनकी आँखों का होना भी क्या। जिसने दर्शन किया ना कभी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। ये दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की टूटे लड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी। भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी। उनकी उनके कानों का होना भी क्या, ऐसे कानों का होना भी क्या। जिसने ज्ञान सुना ना कभी, ऐसे कानों का होना भी क्या। जिसने ज्ञान सुना ना कभी, ज्ञान सुन लो
ओ ज्ञान सुन लो कभी तो कभी, ज्ञान सुन लो घड़ी दो घड़ी, ओ सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, ऐसी दिव्या कहूँ ना भी क्या, ऐसी दिव्या कहूँ ना भी क्या, जिसने भजन किया ना कभी, जिसने भजन गाया ना कभी, ऐसी दिव्या का होना भी क्या, जिसने भजन गाया ना कभी, जिसने भजन किया ना कभी, भक्ति कर लो ओ ओ, 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 ओ भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, ऐसे हाथों कहूँ ना भी क्या, उनके हाथों कहूँ ना भी क्या, ऐसे हाथों होना भी क्या, जिसने दान किया ना कभी, जिसने दान किया ना कभी, दान कर लो ओ दान कर लो घड़ी दो घड़ी, दान कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, ऐसे पैरों का होना भी क्या, ऐसे पैरों का होना भी, जिसने तीरथ किया ना कभी, जिसने तीरथ किया ना कभी, ऐसे पैरों का होना भी क्या, जिसने तीरथ किया ना कभी, तीरथ कर लो घड़ी दो घड़ी, तीरथ कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी, सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, भक्ति कर लो घड़ी दो घड़ी, बोलो गीता भगवान की जय, हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत।